राजन इंटरनेशनल एकेडमी में उल्लास पूर्वक मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। पूर्व विधायक जय चौबे एवं शिखा चतुर्वेदी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। पुलिस लाइन में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम, एकेडमी ने पहली बार में ही प्राप्त किया तृतीय स्थान। बस्ती जिले के प्रतिष्ठित संस्थान राजन इंटरनेशनल एकेडमी बस्ती के प्रांगण में 74वां गणतंत्र दिवस उल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि खलीलाबाद सदर पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण चतुर्वेदी उर्फ जय चौबे ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती शिक्षा जगत में पूर्वांचल के मालवीय कहे जाने वाले पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा पुष्पार्चन से हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में छात्रों द्वारा मुख्य अतिथि को फ्लैग मार्च कर दी गई सलामी, उसके बाद अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। संविधान की आवश्यकता थी। संविधान रचना के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में और कुछ हमारे अत्यंत ही सम्मानित सदस्यों के सहयोग से 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान की रचना हुई। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारतवर्ष पूर्ण गणराज्य के साथ कार्य करना प्रारंभ किया। देश के आजाद होने के 7 दशक बीत चुके हैं। हमने लगातार देशवासियों ने प्रयत्न किया कि पूर्व में जो हमारा विश्व में स्थान था उसको हम कैसे हासिल कर सके, और उस दिशा में हम काफी आगे भी बढ़ चुके हैं। आज हमारी विश्व की जो महाशक्तियों में कई कंट्रीज शामिल हैं, डेवलप्ड कंट्रीज शामिल हैं, उसमें हम शिखर पर पहुंचने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आज इस गणतंत्र दिवस के पवित्र अवसर पर विद्यालय का कार्यक्रम है, विद्यालय परिवार को, बच्चों को, जनपदवासियों को, देशवासियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस भी क्षेत्र में लोग कार्य करें निश्चित रूप से देश प्रेम की भावना को मन में लेकर के बेहतर कार्य करते हुए पुनः भारतवर्ष को विश्व में शिखर पर पहुंचाने के लिए प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का अभिवादन करते हुए, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वर्तमान समय में आप देखे जा रहे हैं कि रामचरित मानस की चौपाइयों को लेकर एक पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से राजनीति हो रही है, तो ये धर्म की राजनीति को लेकर जो पूर्व में लिखी गई किताबें उनको लेकर जो संघर्ष किया जा रहा है वह कहां तक उचित है? जिन लोगों ने भी ये बयान दिया है उनकी मैं आलोचना करता हूं। रामचरित मानस अत्यंत ही पूजनीय ग्रंथ है हम सभी के लिए। उसमें हम लोगों का जीवन बसता है। जिन लोगों ने टिप्पणी किया उनका व्यक्तिगत विचार है, मेरा विचार ये है कि हमारे लिए वो अत्यंत ही पूजनीय है, सर्वश्रेष्ठ है और उसमें हम सभी का जीवन वास करता है। मैं उसको उस पर सिर रख करके नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सरकार को ऐसे मामलों को लेकर कोई एक कड़ा कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? मैं विपक्ष में हूँ, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।